मजदूर वर्ग भी यहाँ आया हुआ है अपनी मांगों को लेके, जो मजदूरी करते हैं और नगर पालिका के अंदर करते हैं, और ये अपनी मांगों को लेके यहाँ जंतर मंतर पर संसद मार्ग पर आए हैं। आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन हमारे मजदूरों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है नगर पालिका से। जब पंजीयन नहीं होगा तो हमको कोई लाभ नहीं मिल पाती है, और महंगाई इतनी है कि हमको मजदूरी नहीं मिलती। तो हम अपनी सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि हम मजदूरों को कुछ ना कुछ सहायता दी जाए, और मुख्यमंत्री जी यहाँ से ऐलान कर देते हैं लेकिन हमको लाभ नहीं मिल पाती है। अभी आप भिंड से आए हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के पास में आपने कोई ऐसा ज्ञापन दिया या मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन किया कोई? हाँ साहब, हम कई बार हमने भिंड कलेक्टर को और भोपाल में भी हमने आवेदन वगैरह दिया, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जो आपके जो क्या नाम है स्वराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, हाँ जी, वो तो मध्य प्रदेश के सबके मामा है और कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे मैं आप लोगों का मामा हूँ, मैं सब काम करूँगा जी। तो केवल वोट मांगने के लिए कहते हैं, जनता को बहकाने के लिए, लेकिन क्या है मजदूर को जब लाभ नहीं मिलेगी, इतनी महंगाई है, महीना में 10 दिन काम लगता है, हम प्राइवेट के काम करते हैं और पंजीयन नहीं हो पाता है नगर पालिका के अंदर। हमारी बच्चियों की शादी के लिए उन्होंने ऐलान किया है, जब हमारा पंजीयन नहीं होगा तो हमको बच्चियों की सहायता नहीं मिलेगी शादी के लिए, और हमारा जो 1 लाख रुपए का बीमा किया हुआ है तो उस बीमे को कुछ बढ़ाया जाए। बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपए लागू करे हैं तो उनको 50,000 रुपए किया जाए, और हर मजदूर को लाभ पहुँचना चाहिए। हमारी सरकार से यही नमन है। धन्यवाद।